आज के समय में विदेशी भाषाओं के जानकारों की मांग तेजी से बढ़ी है। वैश्वीकरण के दौर में पर्यटन, अनुवाद और संपादन कार्य लोगों को काम का अवसर दे रहा है। कॉल सेंटर हो या विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या फिर टूर गाइड, विदेशी भाषा के जानकारों के लिए अब काम की कमी नहीं है। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज करने के लिए 12वीं उत्तीर्ण करना जरूरी है। इसके बाद युवा सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा कोर्सेज से विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और चाइनीज, इन सभी विदेशी भाषाओं में कैरियर के बहुत से अवसर हैं। किसी भी भाषा का पुख्ता ज्ञान आपकी सफलता में सहायक होता है। विदेशी भाषा में कैरियर बनाने के लिए वह लोग ही आगे आते हैं जो भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके कैंडिडेट में बेहतर संवाद क्षमता होनी चाहिए। अगर आप अनुवादक बनना चाहते हैं तो विदेशी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी या हिंदी पर भी पकड़ होनी चाहिए। जिस विदेशी भाषा को सीख रहे हैं उसका व्याकरण, वाक्य संरचना और उससे जुड़ी संस्कृति व इतिहास की जानकारी होना फायदेमंद रहेगा। टूर एंड ट्रैवल कंपनियों, टूरिज्म डिपार्टमेंट, होटल्स, रिजॉर्ट्स के अलावा सूचना तकनीक के केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे शहरों में विदेशी भाषा के जानकार युवाओं की काफी मांग है। आप विदेशी सैलानियों के गाइड बन सकते हैं या दूतावासों में विदेशी भाषा के विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ सकते हैं। आज स्कूल कॉलेजों में अध्यापन के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी भाषा के शिक्षकों की मांग है। BPO या कॉल सेंटर में भी विदेशी भाषाओं के जानकार रखे जा रहे हैं। विदेशी पत्र पत्रिकाओं या चैनलों से संबंधित भाषाओं के जानकार को विदेशी संवाददाता के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। अनुवादक बनने पर शुरुआती वेतन 30,000 से 40,000 होता है। आगे चलकर वरिष्ठता और अनुभव के क्रम में यह बढ़ता जाता है। विदेशी कंपनियों के साथ काम करने पर लोगों को प्रतिमाह लाखों रुपए मिलते हैं। निजी व्यवसाय के रूप में साहित्य या अन्य सामग्रियां अनुवाद करने पर प्रतिमाह 1,00,000 से 2,00,000 तक कमा सकते हैं। विदेशी भाषा में कोर्सेज कराने के लिए प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कोलकाता, हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद, लैगमा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस दिल्ली, बेंगलोर विश्वविद्यालय बेंगलुरु। तो ये थी फॉरेन लैंग्वेज के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।